कि मेरे पास जो रिप्लाई आया वो ये था कि आप नहीं हो सिलेक्टेड दो दिन बाद तो मैं थोड़ा डिस्पॉइंट हुआ मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं थी ओके प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा मैं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में बिल्कुल भी मैंने आईटी इंजीनियरिंग करी है और, और आ, मुझे याद है जब अली ने एक मीटिंग के लिए लंडन बुलाया था मुझे तो मैं बहुत खुश था उसके लिए तो वहाँ पर एक पार्टी हुई थी जिसमें अली सबके लिए खाना बना रहे थे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज हमारे साथ है आदित्य एंड ही इज अ वीडियो एडिटर फॉर अली एंड आदित्य इज हियर टू गाइड यू कि आखिर वीडियो एडिटर आपको बनना कैसे है एंड कुछ फ्री रिसोर्सेज भी उन्होंने शेयर किए हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है डिफरेंट टास्क और इंटरव्यू राउंड के बारे में भी बात की है बिफोर बिकमिंग अली वीडियो एडिटर की आखिर उनकी हायरिंग प्रोसेस क्या थी कैसे उन्होंने ये टास्क और इंटरव्यू राउंड को क्वालिफाई किया था कितने टास्क और इंटरव्यू राउंड होते हैं तो अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है फॉर एनी क्रिएटर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल

करेंटली अली अब्दाल के लिए वीडियो एडिट करता हूँ मैं उसका फुल टाइम वीडियो एडिटर हूँ ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया ताकि लोग जर्नी बोरिंग है लोग देखें कि हाँ कौन है स्टार्ट मैंने किया था 2019 में एडिटिंग स्टार्ट करना और वो एक फ़नी किस्सा मैं कैसे एडिटिंग में घुसा वैसे ही जनरली दोस्तों के साथ हम घूमने गए थे कहीं दोस्त ने बोला व्लॉग बनाते हैं मैंने कहा ठीक है यार फिर एडिट करने के लिए कोई था नहीं तो मुझे स्पेसिफिकली सीखनी पड़ी एडिटिंग तो उसके लैपटॉप ख़रीदा उसके लिए सब समझा और छः महीने लगे ब्लॉग बनाने में एडिटिंग सीखी और फिर उसके बाद ऐसे ही दो डांस टीम में था मैं कॉलेज में तो लोगों ने बोला कि यार हमारी वीडियो एडिट कर दे हमारे लिए कर दे फिर डांसर्स ने टीचर्स ने कोरियोग्राफर्स ने बोला कि हमारे लिए भी कर दो एडिटिंग तो ऐसे ही मैं एडिटिंग में घुसता गया मुझे मज़ा आने लगा फिर धीरे धीरे मैं जॉब करने लगा कॉलेज के बाद एडिटिंग की प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा मैं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में बिल्कुल भी मैंने आई इंजीनियरिंग करी है और फिर ऐसे ही करते करते फिलेंसिंग करके प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते डांस के म्यूज़िक वीडियोज़ के क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड था डांस का तो इसलिए मैं ज़्यादा डांस में काम करता था और म्यूज़िक में काम करता था फिर धीरे धीरे एड्स मिलने लगी और सब बेसिकली मेरे साथ हुआ ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हुई मैंने कभी किसी के लिए स्टोरी नहीं डाली कि मुझे काम चाहिए क्या तो अपने आप ही नेचुरली काफ़ी लोग आते गए और फिर मैंने देखा अली अब्दाल ने को एडिटर चाहिए उसने पोस्ट डाला था तो मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे भी बाई चांस काम कर रहा हूँ आज की डेट में तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि आपको प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है एंड आप एक एक डिफरेंट फील्ड में चले गए तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था उस चीज़ पे मुझे मेरे पेरेंट्स काफ़ी मुझे लगता है कि मैं प्रिवलेज हूँ कि उन्होंने मुझे ज़्यादा रोक टोक नहीं की ज़्यादा मुझे रोका नहीं कुछ काम करने के लिए उनको मुझे शायद भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा वो मुझे भी था थोड़ा सा अपने आप पर इतना नहीं था स्टार्टिंग में कॉलेज में मैंने ये खुद ही डिसीज़न लिया था कि यार जब मैं जब कोविड का टाइम आ गया था हमारे मैं तब थर्ड ईयर में था तो मुझे लगा कि अब क्या करना है अब लाइफ में कोडिंग करें कोडिंग मुझे समझ नहीं आती थी बिल्कुल भी बस पास भी हम ऐसे हो रहे थे कि एक रात पढ़ पढ़ के तो मैंने बस कैसे भी करके अपना पेपर वेपर दिए और वो टाइम था जब कोविड का तो मुझे लगा कि अब कुछ महीने हैं भगवान के देर से कुछ लाइफ में मेरा सब सही चल रहा था तो मैंने तब एडिटिंग दबा के सीखी मैंने उसमें फुल ऑन गया पर मेरे घर वालों का रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव ही रहा है मेरे साथ उन्होंने मुझे बोला है कि जो तुम्हें करना है तुम करो जैसे मैं रात को काम करता था मम्मी को दिखाता था मम्मी देखो मैंने आज रात को ये बनाया आज मैंने वो किया तो वो काफ़ी खुश होकर देखते थे उनको काफ़ी अच्छा लगता था उन्होंने हमेशा काफ़ी सपोर्टिव थे लेकिन उनको ये एज अ करियर नहीं दिख रहा था तब उस टाइम पर उनको ये नहीं लगता था कि इसमें मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ क्योंकि कॉलेज के बाद मैंने जब रेटिंग में काम किया है तो मैं हज़ार दो हज़ार रुपये कमा रहा था तो उनके लिए था कि ठीक है इसको बस ये एज अ स्किल कर रहा है इसको इसको आती तो ये कर रहा है इसका ऐसा नहीं इसको करियर बनाना है तो कॉलेज के बाद पापा ने मुझे बोला था कि चलो अब फैक्ट्री पे चलो काम करो हमारे साथ मैंने कहा मुझे कि आप कुछ टाइम दो मुझे एक साल दो मुझे रेटिंग एक्सप्लोर करना है तो उन्होंने वो मुझे टाइम दिया और बीच में ऐसे फेजेस आए थे जब मुझे लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं मेरे आसपास पास अब दोस्तों जॉब कर रहे थे जो भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो ग्रेजुएट हो गए थे चाहे उनकी सैलरी कुछ की सैलरी कुछ यूएस चले गए कुछ की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी पर फिर भी मुझे था कि एटलीस्ट मुझसे तो वो आ गई हैं लाइफ में मेरे पास तो जॉब ही नहीं है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिलेंसिंग प्रोजेक्ट कर रहा था तब तो मुझे ऐसे फेज आते थे पापा कहते थे कि यार अब तो चल तू भी अब काम से तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो अभी थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे तो कुछ तीन चार महीने बाद मैं जल्स स्मैक में काम कर रहा था तो मेरी जॉब लग गई थी तीन चार महीने बाद ही ग्रेजुएट होने के बाद तो तब मुझे बहुत सैटिसफाइड था कि चलो और फिर घर वाले भी खुश थे जब उनको लगा कि कुछ पैसे आ रहे हैं तो वो भी फिर उन्होंने भी मुझे कुछ बोला नहीं ज़्यादा वो भी सटिस्फाइड थे फिर खुश थे वो बहुत ज़्यादा और अब मैं अलीब दल के लिए काम कर रहा हूँ तो अब तो वो बहुत प्राउड है अब तो वो खुशी से सबको बताते हैं कि ये देखो ये क्रिएटर है ये है इसके लिए काम करता है तो आज की डेट में वो बहुत खुश है मेरे से तो जब आपने कॉलेज में स्टार्ट किया था आपने बताया आपने लर्निंग कॉलेज टाइम पे की थी तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपने क्या सीखा था और अगर कोई बिगनर है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर उसको क्या सीखना चाहिए मुझे तो लगता है कि प्रीमियर प्रो ही सीखना चाहिए सबको पर लोग हमेशा बात करते हैं कि पेड है पर मुझे लगता है उसके लिए आप तरीके ढूंढ सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्किल्ड हो तो कि आपको अगर कैसे चाहिए आपको प्रीमियर प्रो फ्री एक सॉफ्टवेयर है द विच रिजोल्व मैंने नहीं सीखा मुझे लगता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है वो प्रोबियसली उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं एक टाइम के बाद आप उस पर स्विच कर सकते हो पर प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो एडोबी का सॉफ्टवेयर है और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं फ़ोन में एडिटिंग के लिए कि लेकिन मैंने कभी फ़ोन एडिटिंग करी ही नहीं तो मुझे आइडिया ही नहीं है उसके लिए और मैं तो एक्चुअली वही बोलता हूँ कि जिनके पास ऑब्वियसली जो अफोड नहीं कर सकते वो फोन में स्टार्ट कर सकते हैं काइन मास्टर या जो भी ऐप्स हैं पर बेस्ट तो हमेशा लैपटॉप से तुम स्टार्ट करो अगर प्रोफेशनली घुसना है तो और प्रीमियर प्रोसेस अच्छा सॉफ्टवेयर कोई है ही नहीं उस चीज़ के लिए और जिनके पास एप्पल है वो ऑब्वियसली फाइल कट प्रो यूज़ करते हैं पर फिर भी मेरा थोड़ा बाइजड है मैं प्रीमियर प्रो की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसके आगे बा अगर हमें बढ़ना है तो हमें आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना पड़ेगा जो वी एफ एक्स और मोशन ग्राफिक्स के लिए होता है फिर वो स डोबी के सॉफ्टवेयर हैं और फिर फोटोशॉप भी ये सब काफ़ी लिंक्ड हैं आपस में बहुत ईजी है इनमें आपस में काम करना रादर देन तुम एफ सी पी में काम करो फिर तुम्हें एक वीडियो को रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाना पड़ेगा लेकिन प्रीमियर प्रो में ऐसा है कि वहीं की वीडियो सीधा डायरेक्टली एक क्लिक से आफ्टर इफेक्ट्स में चली जाती है जो कि बहुत ईजी है क्योंकि इन्वयरमेंट बहुत अच्छा है डूबी का तो मुझे लगता है इसी में घुसना चाहिए हर बंदे को तो उसके बाद क्या सीखना है वो सॉफ्टवेयर सीख लिया हमने प्रीमियम प्रो उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या सीखना है उसके बाद हमने सीखना आफ्टर इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स क्योंकि आज की डेट में जब हम काम कर रहे हैं तो एक वीडियो एडिटिंग मुझे लगता है कि उस स्किल में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप टेक्स्ट एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स और ऐसे वी का इस्तेमाल करो लोगों को हुक करने के लिए वीडियो में और इन्वॉल्व करने के लिए क्योंकि तो वीडियो एडिटिंग से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कौन सी क्लिप कहाँ जाएगी आप कर सकते हो बहुत अच्छा आप साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोगों को मजा आए लेकिन एक इंट्रीगिंग जो आप वीडियो को बना सकते हो एक और एज बाकी एडिटर्स के ऊपर आप ला सकते हो वीडियो में वो आफ्टर इफेक्ट्स ही कर सकता है बंदा तो आफ्टर इफेक्ट्स उसके लिए बहुत सीखना जरूरी है क्योंकि जो कंपटीशन हो गया मार्केट में और वो बहुत सा सॉफ्टवेयर है हालांकि बहुत मुश्किल है वो स्टार्टिंग में उसको देख के डर लगता है मुझे पता है जब मेरे को नहीं आता था वो सॉफ्टवेयर तो उसको खोलते ही मैं बंद कर देता था क्योंकि मुझे लगता था यार ये कौन सीख लिया क्योंकि उसका इंटरफेस काफ़ी अलग है लेकिन जब वो आ जाता है तो उसके बाद बहुत आसान रहता है काम करना तो आपने ये रिसोर्सेज क्या यूज़ किए थे आपने सारा फ्री में सीखा था या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आपने बाय किए थे आपने कहाँ से सीखा था ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरा कुछ प्रोफेशनली इंटेंशन था नहीं एडिटिंग को आगे लेके जाने का तो मैं सब ऑनलाइन फ्री में सीख रहा था तो मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूँ मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी स्किल है जो फ्री में सीखी जा सकती है ऑब्वियसली और भी स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन में मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको नहीं जरूरत इतना पैसे इन्वेस्ट करने की क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है और एक जो टीचर है उनको तो जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिनकी वो है जी एफ एक्स मैंटर जो सिखाते हैं प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स और जो भी उनके सारे कोर्सेज हैं फोटोशॉप पे भी क्योंकि उनका सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है तो उनके चैनल को जब मैंने देखा मुझे आफ्टर इफेक्ट्स से मुझे पता चलाता उनके चैनल के बारे में प्रीमियर प्रो मुझे आता था हालांकि पर फिर भी मैंने उनकी सारी वीडियोज़ ली प्रीमियर प्रो फोटोशॉप की क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी थी जो मुझे पता नहीं था और उनका मुझे पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और इंग्लिश में हम बात करें तो जस्टिन और बहुत एक बेसिक के लिए अच्छा सॉफ्ट एक अच्छा चैनल है और प्रीमियर बेसिक बेसिक्स करके एक चैनल है वो बहुत अच्छा चैनल है तो इन सबसे लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी प्रीमियर प्रो सीखने की तो प्रोसेस क्या थी आप आ, अली ने आपको हायर कैसे किया था पूरी प्रोसेस क्या थी आपको इस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता कैसे चलता है आखिर मेरे को एक्चुअली मेरे एक जूनियर ने मैसेज किया था ट्विटर पे कि अली ने पोस्ट डाला है मुझे एक्चुअली पता नहीं था तो हो सकता है वो मेरी जूनियर मुझे ना बताती तो मैं नहीं आज काम कर रहा होता वहाँ पर उसके लिए मैं उसको रोज़ थैंक यू बोलता हूँ तो उसने मुझे मैसेज भेजा था और मुझे स्टार्टिंग में लगा कि कि शायद नहीं होगा मेरा क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी थी और वो जॉब ग्लोबली थी ग्लोबली ढूंढ रहे थे हम और वीडियो मैली ने बोला था कि हमें इन पर्सन बंदा चाहिए पर अगर आप बहुत ही अच्छे हो तो हम रिमोट कंसिडर कर सकते हैं तो मुझे था कि ये बहुत स्लिम चांसेस हैं बहुत मुश्किल है फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया था और अप्लाई करने की भी स्टोरी ऐसी कि मैंने आखिरी दिन और आखिरी जो मिनट था डेडलाइन के उसके भी जस्ट बाद एक मिनट बाद ही अप्लाई किया था क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है चीज़ों को डिले करने की जिस जिसमें मैं काम कर रहा हूँ पर ऐसे मैंने उसको भेजा था और उसके बाद क्या हुआ एक फर्नी चीज़ हुई कि मेरे पास जो रिप्लाई आया वो ये था कि आप नहीं हो सलेक्टेड दो दिन बाद तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं ओके okay। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक्चुअली मैं दो बार अप्लाई कर दिया था क्योंकि मेरे को बहुत डेडलाइन का प्रेशर था एक्चुअली एंड में क्या हुआ था कि मुझे कवर लेटर बनाना था फिर मैं वेबसाइट ढूंढ रहा था कि कवर लेटर के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं फिर मैंने वेबसाइट बनाई उस पर सब कवर लेटर डाला और एंड में जब एंड में वो बोल रहे थे कि आप पे करो तो इस वजह से क्या हुआ था कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था पर मुझे लगा कि इसमें मेरा रिज्यूमे का लिंक भी है वो कॉल वो कोई कैसे खोलेगा तो उसके चक्कर में मैंने फिर अलग से टाइम लेके 10-15 मिनट लेके मैंने दोबारा एक एप्लीकेशन भेजी थी फिर इसी वजह से मुझे लगता है मैंने दो बार अप्लाई किया तो मुझे पहले वो मैसेज आया फिर अगले दो तीन दिन बाद मुझे मैसेज आया कि आप सेलेक्टेड हो और आप सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हो फिर मैं खुश हो गया मैंने कहा चलो ठीक है यार ये तो अच्छा है और सेकेंड राउंड हमारा एक पेड टास्क था एज इन हमें फ्री में हमें काम नहीं करना था उसके लिए उसके जो भी एडिटर्स uh, को वो काम दिया था उसमें उनको कुछ पैसे दे रहे थे तो मुझे लगा ये अच्छी चीज़ है कि चलो रिस्पेक्ट किया जा रहा है हमारे टाइम को और हाँ तो इसके बाद फिर मैंने सेकेंड राउंड के लिए हमें कुछ डेडलाइन थी दो तीन दिन की और उसके लिए मैंने फिर स्पेसिफिकली सारी अली की वीडियोस देखी फर्स्ट राउंड के लिए भी देखी थी लेकिन सेकंड राउंड के लिए मैंने और ध्यान से देखी मुझे लगा कि अब ज़्यादा चांस है अब मैं मोटिवेटेड था पहले बस मैं एक एक तीर मार रहा था इसे कहीं भी डायरेक्शन में लेकिन अब मैं श्योर था कि अब तो मुझे चाहिए ये चीज़ बहुत अच्छे से तो मैंने फिर बहुत मेहनत के लिए कि सारी वीडियोज़ देखी क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिन्होंने लिखी थी कि ब्रांड और स्टाइल जो है हमारी वीडियोज़ का आपको उसको मेक मिक्स्योर sure करके आपको काम करना है आपको उसमें अपना आप फ्लेवर डालो लेकिन उससे अलग मत हट हो तो जो जॉब आप जब भी देखते हो ना उस उसमें आप डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़ो एक चीज़ पे बहुत ध्यान दो क्या, क्या क्या मुझे करना है क्या टास्क में उन्होंने क्या मांगा और मैं क्या दे रहा हूँ उनको तो मैंने उस पर बहुत काम किया था तो सेकेंड राउंड पर मैं दो तीन दिन लगाए वीडियो बना के भेजी और फिर उसके बाद से मैं अगले तीन चार दिन टेंशन में कि क्या हुआ होगा क्या होगा अब आएगी कि नहीं आएगी फिर मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ कि मम्मी क्या लगता है फिर उसके बाद मुझे मेल आता है कि आपका इंटरव्यू राउंड है एक तो मैंने कहा ओके चलो बढ़िया है फिर मैं खुश हो गया था तो जो भी ऐसे प्रोसेस हो रहे थे ना जैसे ही मैं मेल पढ़ता था मैं एकदम खुश होता था एकदम हवा में मुक्के मार रहा हूँ तो मुझे फिर इंटरव्यू राउंड आया फिर इंटरव्यू राउंड हमारे मैनेजर ने लिया था जो एंगस है और वो करेंटली अब सी है कंपनी के तो उनके साथ ही हमारा इंटरव्यू राउंड हुआ था तो उन्होंने बहुत ही बेसिक सवाल पूछे थे तब तब सवाल बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थे रेटिंग से रिलेटेड नहीं थे तब वो ये थे कि एडिटिंग से रिलेटेड थे पर एज इनकी कुछ मुझे काम नहीं करके दिखाना था क्योंकि मैंने दो टेक्निकल ग्राउंड्स क्लियर कर लिए तो मेरे उन्होंने उसके बारे में पूछा पास्ट के बारे में मैंने क्या क्या काम किया है और जेलिस मैक में जैसे मैंने काम किया था पहले छः महीने तो मैं क्रिएटर की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत समझता हूँ कि कैसे वीडियोज़ बनाते हैं वहाँ पे और फिर उसके बाद कि मैं प्रेशर कैसे हैंडल करता हूँ हैं। या की वीडियो में क्या क्या नया नया इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और कुछ कौन से क्रिएटर जिनको मैं देखता हूँ फॉलो करता हूँ तो एडिटिंग का इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल नहीं होता मुझे लगता है ईजी होता है बस तुम्हें कॉन्फिडेंटली बात करनी होती और मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ और मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे बताया था एंड में कि तीन लोगों ने इंटरव्यू दिया है और तीन ऐसे अलग अलग जगहों से थे और तो मैं थोड़ा सा सैड था इंटरव्यू खत्म होने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता था रादर देन आ, बहुत ही अच्छा हुआ है ऐसा नहीं मैंने सब बता... मैंने सब बताया था सब मैं खुश था काफ़ी लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था फिर वही फिर से सेम प्रोसेस तीन चार दिन टेंशन में परेशान हो रहे हैं क्या होगा क्या नहीं मम्मी से पूछ रहे मैं क्या लगता है आपको लोगों से बात कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास मेल आया रात को एक डेढ़ बजे मैं उठा हुआ था तब और मैं हालांकि इसी बार में बात कर रहा था अपनी फ्रेंड से कि क्या हो सकता है और मुझे मेल आया कि उसमें भी मैं मेल में ढूंढ रहा था कि कहाँ रादर देन सीधा पढ़ने के लिए उससे मैंने ढूंढा कि कोई अच्छे वर्ड मिल जाए जैसे आप ढूंढते हो ना कि फार्चुनेटली या गुड लक ऑल द बेस्ट या कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैं पढ़ने से पहले वो ढूंढ रहा था फटाफट कि मुझे श्योरिटी मिल जाए फिर आराम से पढ़ूंगा या कहीं अनफॉर्चुनेटली तो नहीं लिखा हुआ है तो तो मुझे अच्छे वर्ड दिख गए थे फिर मैं आराम से पढ़ा और मैं बहुत खुश था मेरे पापा सो रहे थे लेकिन मैं उनके पास गया मैंने उनको उठाया कि मैंने कहा हो गया वो बहुत खुश थे तो बहुत ही लकी डेज थे फिर मुझे लगा कि चलो ये हो गया लेकिन अब ये काम करना है अब कंसिस्टेंटली आगे हर हफ्ते एक वीडियो बनानी है हमें क्योंकि अभी जो राउंड क्लियर किया था जो ट्रायल टास्क थे उसमें एक या दो मिनट की वीडियोस बनानी थी उसमें भी दो तीन तो दिन लगा दिए तो मैंने कहा भी डिलीवर करना भी तो काफ़ी मुश्किल होगा पर मैंने कहा तो बात की है भी इन्जॉय करो तो काफ़ी अच्छा था मज़ा आया मुझे इसमें तो अभी आपने बताया था कि आपने अली की जब सेकेंड राउंड में उनको वीडियो सबमिट करने से पहले आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया था उनके चैनल के लिए तो आपने पर्टिकुलरली किसी भी चैनल के लिए या कोई भी वीडियो एडिटर किसी को हायर करता है तो आप क्या चीज़ें स्टडी करते हो जिससे आप वो टेस्ट भी बना रहे उनका और आप अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाते रहो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता है कि लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि, कि किसी के लिए भी अप्लाई अगर कर रहे हो आप तो आपको उस चैनल को कम्प्लीटली स्टडी करना बहुत जरूरी है उसकी वीडियोज़ देखो उनको फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ाओ एक यूट्यूब में एक फीचर होता है मेरे ख्याल से पता नहीं लोगों की कॉमा से आप लेफ्ट फ्रेम जाते हो डॉट से आप राइट right फ्रेम जाते हो तो मैं हर वीडियोज़ को ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी करता हूँ कि उस वीडियो में हमने क्या साउंड इफेक्ट यूज़ किया क्या एसेट यूज़ किया क्या मोशन ग्राफिक्स यूज़ किया क्या फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं क्या कलर क्या है वीडियो का जैसे अली की वीडियोज़ काफ़ी ब्लूइश वाइब होती हैं उनकी या लाइट कलर ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और तो वही उसका कलर वीडियोज़ का भी वैसा ही कलर है थोड़ा सा अली को कूल cool कलर ज़्यादा पसंद है रादर देन वॉम तो वो सब चीज़ें मैंने स्टडी करी वही कलर ग्रेडिंग इस्तेमाल किया वही ग्रेडियंट्स का कलर मैंने इस्तेमाल किया जो हमने एसेट्स टेक्स के जो फॉन्ट यूज़ करा वो भी कोशिश करी कि मैं सिमिलर यूज़ करूँ एक वेबसाइट है वर्ड द फॉन्ट करके वहाँ पर आप स्क्रीन लेते हो फिर आप स्टडी करते हो चेस्ट क्या क्या, क्या रिगार्डिंग इसके फॉन्ट्स है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे एक एक चीज स्टडी करना और वो म्यूजिक कैसे यूज़ कर रहे हैं अली की वीडियोज़ में पियानो टाइप सोम्बर म्यूजिक इस्तेमाल हुआ था रादर देन एक बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल या बहुत बीट्स वाला म्यूजिक वो वाली पसंद नहीं करता उसको बीट्स पसंद है तो लोफाई बीट्स पसंद है तो ये सब चीज़ें आप अगर आप वीडियो देख रहे हो पहले आप वीडियो देखो एक अच्छे से एंटे समझते हुए कि हाँ एक व्यूअर की तरह वीडियो देख रहे हो फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करो वीडियो को यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या हुआ है फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा अच्छा इसको ये इसकी फील है मिस्टर बीच की फील बहुत अलग है मिस्टर बीच की वीडियोस बहुत हाई पेस्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा थ्री का इस्तेमाल भी है तो वो अलग वीडियोज़ है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल है एक फॉल्ट है जो मिस्टर बीच जो यूज़ करता है वो हर लोग वीडियोज़ में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो मिस्टर बीस्ट की वीडियो है अब हर जगह सेम ही तरह के कॉन्टेंट बना रहे हैं लोग कि फास्ट पेज चाहिए हमें पर तो मुझे लगता है सब क्रिएटर्स के अलग फील है उस पर लोगों को काम करना चाहिए तो आखिर प्रोसेस क्या होता है अली की वीडियो एडिट करने का लाइक अली ने आपको एक वीडियो दी देन आप उसके बाद क्या प्रोसेस अपनाते हैं लाइक क्या क्या चीज़ें आप करते हैं फिर उसमें अली की वीडियोस में सबसे पहले हमारे पास तो एक एयर फुटेज आती है जो कि होती है आधे घंटे से 40 मिनट की जिसमें से हम सबसे पहले साइलेंसेज रिमूव करते हैं और रेपटेशन रिमूव करते हैं और प्रॉपर एक सॉलिड एक कट बनाते हैं दस से पंद्रह मिनट का उसके बाद हमारा काम होता है इंपॉर्टेंट हुक पे जो स्टार्टिंग के एक से डेढ़ मिनट की वीडियो है जो इंट्रो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो उसी पे डिपेंड करेंगे लोग कि आगे वीडियो देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले हैं तो वो हमारा मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो हम बात करते हैं कि जो एडिटिंग टीम है उसमें हमारी बात होती है कि जितना एफर्ट आप स्टार्टिंग के दो से तीन मिनट में लगाने वाले हो उतना ही पूरा एफर्ट आपको बाकी वीडियो में लगाना है यानी कि फिफ्टी एफर्ट आप स्टार्टिंग में लगाओ रादर देन एंड में तो उस पर मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल स्टार्टिंग में करूँ अली को कटआउट करूँ फिर पीछे टेक्स्ट डालूँ और जो बी रोल्स हैं अली के वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ हमारी एक बीरो लाइब्रेरी है हमारे पास जिसमें हमने ड्राइव में अली के एक फोल्डर बना रखे हैं जिसमें लिखा है कि अली ड्राइविंग अली राइटिंग अली वर्किंग ऑन लैपटॉप तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं तो उसमें से हम यूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या हमें शो करना है क्योंकि हमारा मेन फोकस रहता है कि शो रादर देन टेल जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ कोई चीज़ अली बोल रहा है ठीक है पर क्या वो वीज़ दिखाई दिखा जा सकती है अगर हाँ तो वो दिखाओ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो हम दिखा पाए तो इसमें मेरा हमेशा फोकस रहता है फिर बात आती है कि कुछ टेक्स्ट डालना है सामने स्क्रीन पे कुछ आइकन्स है जो अली हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लैट आइकन्स का इस्तेमाल में एक वेबसाइट है फ़्लैट आइकन्स करके वहाँ से हम आइकन्स उठाते हैं वो अली के पीछे डालते हैं जिस बारे में बात कर रहा है तो ये कुछ चार चीज़ें हैं बहुत इतना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन वीडियोज़ को एडिट करना टेक्निकली लेकिन एक स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें टाइम लग जाता है कि आप क्या क्या पार्ट यूज़ कर रहे हो कभी कभार अली की आदत है वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं कुछ चीज़ों को तो आपको वो मिक्सर करना है कि वो ज़्यादा लंबा तक ना खींचे क्योंकि एक व्यूअर है उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कम से कम टाइम में तो कुछ ये सब फैक्टर्स पे हमारा ध्यान देना होता है तो आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं अली की टीम से या अली से बिफोर एडिटिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो या आप अपने मन से स्टार्ट कर देते हैं मैं अपने मन से ही सब करता हूँ मोस्टली और यही चीज़ मुझे सबसे पसंद है यहाँ पे वर्क करने की कि वो जो ऑटोनॉमी है एक्सपेरिमेंटेशन करने का जो फ्रीडम है वो मुझे यहाँ पे जो मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आ, मेरे ऊपर है मुझे जैसी वीडियो बनानी है एक स्क्रिप्ट हमें मिलती है जिसमें लिखा है जो अली बात कर रहे हैं या फिर जिसके ऊपर अली को बात करनी है और उसमें सिर्फ पॉइंटर्स होते हैं कुछ क्योंकि अली को बस पॉइंटर्स पसंद है कि और वो बाकी फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से उनको जैसे बात करनी है वो करते हैं तो कभी कभार होता है कि उसमें से हम चीज़ें ले लेते हैं कभी कबार कि अच्छा ये बीरोला इस पर इस्तेमाल कर सकते तो कुछ टिप्स होते हैं कुछ पॉइंटर्स होते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस्तेमाल करना ही करना है एज एन एडिटर वो क्रिएटिव फ्रीडम मेरे पास पूरी है बना कुछ स्पॉन्सर्स के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको एजा स्पॉन्सर आए तो आपको ये दिखाने है, दिखाना है ये चीज़ तो उसके लिए वहाँ मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है पर बाकी के लिए की अली वीडियोज़ की फ्रीडम क्रिएटिव फ्रीडम मेरे पास है कि मैं कैसे उसको बनाऊँ और कैसे और फिर उसके बाद और सबसे अच्छी बात है कि लोग उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं पसंद करते हैं अगर हम कुछ नया कर रहे हैं ट्राई रादर देन कि आपने ये क्यों किया जैसे पहले बनाई थी वही आप करो तो वो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है मुझे बहुत अच्छी लगती है काम करने के लिए तो अली एज अ पर्सन कैसा अली एज अ बॉस कैसे हैं आपके साथ अली एज अ बॉस तो बहुत ही बढ़िया है मतलब उनके जैसा बॉस भगवान सबको दे <laughs> क्योंकि मेरे को काम करते हुए लगता नहीं कि वो बॉस है हमारे क्योंकि वो एक हर एक इंसान को उतना ही वैल्यू मिलता है टीम में चाहे वो मैं एडिटर हूँ या फिर कोई राइटर है चाहे वो अली हो सबकी बात को उतनी वैल्यू दी जाती है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं बॉस हूँ तो ऐसे होगा और मैंने कभी तो कभी भी मैंने ऐसा एनवायरनमेंट देखा ही नहीं टीम के अंदर कि जिसमें कोई लड़ाई हुई हो या फिर कुछ ऐसी बात हुई हो क्योंकि सब लोग अच्छे अच्छे हंसते खेलते रहते सारा काम होता है और मुझे याद है जब अली ने एक मीटिंग के लिए लंदन बुलाया था मुझे तो मैं बहुत खुश था उसके लिए तो वहाँ पे एक पार्टी हुई थी जिसमें अली सबके लिए खाना बना रहे थे तो बर्गर नाइट थी उसमें अली सबके लिए बर्गर बना रहे हैं वहाँ पे, वो तल रहे हैं और तो फिर ऐसा ऐसा लगता है नहीं कि कि यार एक बॉस होंगे कि अच्छा हम काम कर रहे हैं सब लोग सब लोग इक्वल तो सब लोग अपना मस्त हैं सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं और सबकी बात को उतनी वैल्यू दी जाती है तो ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जो कि एक बिगनर को जो वीडियो एडिटर से उनको हेल्प कर सके जैसे अभी आपने फ्लैट आइकन बताया तो ऐसी कोई और वेबसाइट है जो उनको हेल्प करेंगे साउंड इफेक्ट ढूंढने में कोई स्टॉक वीडियोस ढूंढने में कुछ जो पेड वेबसाइट है मैं बता सकता हूँ जो हम यूज़ करते हैं वो है एपिडेमिक साउंड म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छी है इन्वर्टर एलिमेंट स्टोरी ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं और मोशन अरे बहुत अच्छे हैं लेकिन ये पेड़ है फ्री में एक दो वेबसाइट्स हैं मिक्स किट करके एक वेबसाइट है जो यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें साउंड इफेक्ट्स आपको सारे टेम्पलेट्स वीडियोज़ के मिल जाएंगे और बेसिकली यही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इससे ज़्यादा तो मेरे पास रोजमर्रा के वेबसाइट्स नहीं है तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर कोई बिगनर है और उनको भी अभी जैसे किसी बिग क्रिएटर के साथ काम करना है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको मुझे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि सबको काम करने चाहिए स्किल के ऊपर क्योंकि लोग हमेशा मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि हम क्लाइंट्स कैसे लें या फिर हमें और लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलें वो ऑब्वियसली वो एक एस्पेक्ट मुश्किल है लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी स्किल इतनी बढ़िया नहीं अभी कि वो क्लाइंट्स उनको इजिली मिल जाएंगे क्योंकि मैं लिंकडेन पर काफ़ी कबार देखता हूँ कि लोग हर पोस्ट पर आई एम इंटरेस्टेड कमेंट कर देते हैं एटलीस्ट वीडियो एडिटर्स मेरे आस पास है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ पर मैं उनका प्रोफाइल खोल के देखता हूँ उनका पोर्टफोलियो खोल के देखता हूँ मुझे लगता है कि अभी भी और बहुत काम कर सकते थे आप तो मुझे लगता है कि आप स्किल पे बंदा बेस्ट हो जो बात होती है ना एक कोट है एक एक बुक भी है कैल्यू पोर्ट की जिसका नाम है बी सो गुड दैट दे कैंट इग्नोर यू तो आप कहीं भी अप्लाई करो तो आप वहाँ बेस्ट ही हो ऐसा आपको ऐसा आपका काम होना चाहिए तो अगर आप स्किल पे बेस्ट हो तो आप आई एम इंटरेस्टेड लिख रहे हो तो उसके बाद वो 20 कमेंट्स को, को देख ही नहीं रहा है वो सिर्फ आपको देख रहा है क्योंकि आपका काम इतना बढ़िया है और स्किल पे क्या है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा 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 काम करो स्टार्टिंग में लोगों के लिए फ्री में काम करो क्योंकि आपको पता है कि अभी काम की जरूरत है रादर देन बेस्ट होने के या पैसों की अभी काम पर टाइम लगेगा तो कुछ महीने स्किल सीखो ट्यूटोियल्स देखो बनाओ जो बनाना है दोस्तों के लिए वीडियो एडिट करो पापा की शादी की वीडियो उठा के उसको भी एडिट कर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करो एडिटिंग पे उसके बाद फिर बात करेंगे स्किल्स के ऊपर उसके बाद क्लाइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं और उसके लिए मुझे लगता है वो सबको पता ही है क्लाइंट्स ढूंढना के ऊपर बहुत वीडियो हैं कि कैसे आपको चाहिए लेकिन मेन ये क्या स्किल पे बेस्ट हो बनना थैंक यू आदित्य आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है आई होप हम फिर से मिलेंगे जल्दी फिर से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे थैंक्स फॉर हैविंग मी अंचल बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और जितने आप क्वेश्चन पूछो उतना मुझे मज़ा आता है जितना हम वैल्यू प्रोवाइड कर पाए लोगों को उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है